Hello friends, welcome to LearningSTAN, learn to know and know to learn. आज के इस लेक्चर में हम सेल एंड बैटरी को कंटिन्यू करेंगे. पिछले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने सेल एंड बैटरी के बेसिक कॉन्सेप्ट और लेड एसिड बैटरी को देखा था. तो आज के इस लेक्चर में हम निकेल आयरन एंड निकेल कैडमियम बैटरी को देखेंगे. तो आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सेल एंड बैटरी के पिछले दो लेक्चर्स को आप देख लीजिए, तभी आपको आज के लेक्चर समझने में आसानी होगी. क्योंकि आज के लेक्चर में हम सिर्फ टू द पॉइंट ही बात करेंगे, यानी कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल हो उसे हम सिर्फ नोट डाउन करते चलेंगे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. सबसे पहले आप नोट करेंगे कि बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है उसके आधार पर बैटरी को हम दो भाग में बांटते हैं. पहला है एसिड बैटरी और इसका एग्जांपल है लेड एसिड बैटरी, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था. लेड एसिड बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है वो है डाइल्यूटेड H2SO4, यानी कि बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट एसिडिक होता है. जबकि यदि हम दूसरे टाइप की बैटरी की बात करें तो ये कहलाता है अल्कलाइन बैटरी. फॉर एग्जाम्पल निकल आयरन बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी एटसेट्रा. तो जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट लग रहा होगा कि अल्कलाइन बैटरी है, इसलिए इसके इलेक्ट्रोलाइट में एसिड नहीं होगा, बेस होगा, यानी कि अल्कली मेटल का कोई फॉर्म मौजूद होगा इसमें. फॉर एग्जाम्पल KOH, दिस इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एसिड नहीं बेस है. ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि निकल आयरन और निकल कैडमियम बैटरी में बहुत सारे पॉइंट्स सेम होंगे, सिर्फ नेगेटिव प्लेट पे आयरन की जगह कैडमियम यूज होगा. तो इसकी वजह से इन दोनों के केमिकल रिएक्शन थोड़े से डिफरेंट होंगे. बाकी सारी चीजें निकल आयरन और निकल कैडमियम में सेम होगा, क्योंकि बोथ आर अल्कलाइन टाइप ऑफ बैटरी. तो सबसे पहले आप कुछ पॉइंट्स नोट करिए. फर्स्ट एलिमेंट के बारे में आप नोट करिए कैडमियम, जिसका सिंबल होता है CD और इसका एटॉमिक नंबर होगा 48, जिसे हम लिखेंगे 2 8 18 18 एंड 2. नेक्स्ट एलिमेंट आप लिखिए निकल, जिसका सिंबल होगा Ni और एटॉमिक नंबर होगा 28, इसे हम लिखेंगे 2 8 16 एंड 2. नेक्स्ट एलिमेंट आप लिखेंगे आयरन, जिसका सिंबल होता है Fe, इसका एटॉमिक नंबर होगा 26 और इसे हम लिखते हैं 2 8 14 और 2. लास्ट एलिमेंट आप लिखिए पोटेशियम, जिसका सिंबल होता है K, इसका एटॉमिक नंबर होगा 19 और इसे हम लिखेंगे 2 8 8 1. तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि कैडमियम, निकल और आयरन, इन दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि पोटेशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है. ओके, तो अब आप हेडिंग दीजिए अल्कलाइन बैटरी या सेल, यानी कि इस टॉपिक में हम निकल आयरन और निकल कैडमियम के कॉमन पॉइंट्स के बारे में देखेंगे. फिर उसके बाद निकल आयरन और निकल कैडमियम को हम इंडिविजुअली डील करेंगे. ओके, तो आप पॉइंट नोट करिए, एम्पियर आर एफिशिएंसी लगभग 80% होती है, जबकि वॉट आर एफिशिएंसी लगभग 60% होती है इन केस ऑफ अल्कलाइन बैटरी. यानी कि हम निकल आयरन और निकल कैडमियम दोनों की बात यहाँ कर रहे हैं. तो इसके आगे आप मार्क करके लिखिए कि इट्स एफिशिएंसी इज लेस देन दैट ऑफ लेड एसिड बैटरी. लेड एसिड बैटरी में हम लोगों ने एफिशिएंसी देखा था कि लेड एसिड बैटरी का एम्पियर आर एफिशिएंसी 90-95% होती है, जबकि वॉट आर एफिशिएंसी लगभग 75% होती है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा इंटरनल रेसिस्टेंस इज हाई, जबकि लेड एसिड बैटरी में इंटरनल रेसिस्टेंस लो होता था. इसके आगे आप मार्क करके लिखिए कि इट्स इंटरनल रेसिस्टेंस इज नियर अबाउट 5 times दैट ऑफ लेड एसिड बैटरी. नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा लाइटर इन वेट, यानी कि निकल आयरन और निकल कैडमियम बैटरी हल्की होती है एज कंपेयर टू लेड एसिड बैटरी. इसके आगे आप मार्क करके लिखिएगा कि इट्स वेट इज 1/2 times दैट ऑफ लेड एसिड बैटरी. नेक्स्ट पॉइंट में हम अल्कलाइन बैटरी के लाइफ के बारे में बात करेंगे. तो इट्स लाइफ इज अराउंड 5 years.
5 ईयर्स और मोर, ये 5 साल या 5 साल से ज्यादा इसकी लाइफ होती है। इसके आगे फिर आप लिखेंगे कि लाइफ ऑफ निकल कैडमियम बैटरी इज मोर देन लाइफ ऑफ निकल आयरन बैटरी इज मोर देन लाइफ ऑफ लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी की लाइफ सबसे कम होती है जबकि निकल कैडमियम बैटरी की लाइफ सबसे ज़्यादा होती है। ओके, तो फिर आप नेक्स्ट पॉइंट में ये भी लिख लीजिए कि निकल कैडमियम बैटरी इज सुपेरियर देन लेड एसिड बैटरी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करिएगा कि शॉर्ट सर्किट डो नॉट रिड्यूस इट्स लाइफ, यानी कि यदि हम बैटरी के दोनों टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर दें तो भी इस बैटरी के लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि लेड एसिड बैटरी में ऐसा ना करने के लिए बोला गया था। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा कि इट कैन बी लेफ्ट इन डिस्चार्ज्ड कंडीशन, यानी कि इस बैटरी को हम डिस्चार्ज कंडीशन में छोड़ सकते हैं, जबकि लेड एसिड बैटरी के बारे में ये कहा गया था कि आप उसे ज्यादा दिनों तक डिस्चार्ज कंडीशन में नहीं छोड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करिएगा कि एवरेज ईएमएफ पर सेल इज 1.2 वोल्ट, जबकि एवरेज चार्जिंग वोल्टेज विल बी 1.7 वोल्ट। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखिएगा कि मैक्सिमम वोल्टेज पर सेल विल बी इक्वल टू 1.25 वोल्ट फॉर निकल कैडमियम बैटरी, जबकि मैक्सिमम वोल्टेज पर सेल विल बी इक्वल टू 1.36 वोल्ट फॉर निकल आयरन बैटरी। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने निकल आयरन बैटरी और निकल कैडमियम बैटरी के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देखा। तो अब हम इंडिविजुअली निकल आयरन सेल के बारे में देखेंगे और फिर निकल कैडमियम बैटरी के बारे में देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग आप लिखिए निकल आयरन सेल, या फिर हम इसे एडिशन सेल भी कहते हैं। तो अब हम इसके पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट और इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा पॉजिटिव प्लेट, और इसके बारे में हम लिखेंगे निकल प्लेटेड ट्यूब कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ निकल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड विथ फ्लेम ऑफ प्योर निकल, यानी कि निकल प्लेटेड ट्यूब होंगे जिसके ऊपर आपको निकल हाइड्रोक्साइड की लेयर देखने को मिलेगी इन चार्ज्ड कंडीशन। ओके, सो एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखिएगा पॉजिटिव प्लेट के लिए NiOOH, यानी कि निकल हाइड्रोक्साइड, या फिर NiOH3 भी आपको पॉजिटिव प्लेट पे मिल सकता है। ओके, नाउ नेगेटिव प्लेट के बारे में आप लिखिएगा इट इज ऑफ निकल स्टील ग्रिड कंटेनिंग पाउडर्ड आयरन विद FeO एंड FeOH2, यानी कि नेगेटिव प्लेट निकल स्टील ग्रिड का बना हुआ होता है जिसके ऊपर आपको पाउडर्ड आयरन मिलेंगे विद FeO एंड FeOH2। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में आप इलेक्ट्रोलाइट के बारे में लिखिए कि 21% सॉल्यूशन ऑफ KOH, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर कॉस्टिक पोटाश। तो इसके साथ आप सॉल्यूशन का स्पेसिफिक ग्रेविटी भी लिख लीजिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी विल बी नियर अबाउट 1.21। तो निकल आयरन बैटरी के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है, जबकि निकल कैडमियम बैटरी के केस में उसका केमिकल रिएक्शन भी पूछता है, तो इसलिए अब निकल कैडमियम बैटरी के बारे में हम देखेंगे। ओके, तो आप हेडिंग लिख लीजिए निकल कैडमियम बैटरी। तो सबसे पहले हम इसके इलेक्ट्रोलाइट के बारे में देखेंगे। निकल कैडमियम बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है वो मिक्सर होता है KOH एंड डी आयोनाइज्ड वाटर का। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ KOH क्या है, दिस इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और KOH जब टूटेगा तो ये बनाएगा K+ एंड OH-, यानी कि KOH को बनने में पोटेशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन OH को देता है जिसकी वजह से ये K+ हो जाता है, और OH पोटेशियम का एक इलेक्ट्रॉन लेके OH- हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए चार्ज्ड कंडीशन। तो चार्ज्ड कंडीशन में पॉजिटिव प्लेट पे यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे NiOOH की लेयर होती है। NiOOH मीन्स निकल हाइड्रोक्साइड, जबकि नेगेटिव प्लेट पे कैडमियम की लेयर होती है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे CD। ओके, नाउ देखते हैं बैटरी का डिस्चार्जिंग कंडीशन, यानी कि जब हम निकल कैडमियम बैटरी में एक लोड को कनेक्ट करेंगे तो पॉजिटिव प्लेट पे किस तरह का रिएक्शन होगा और नेगेटिव प्लेट पे किस तरह का रिएक्शन होगा।
तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए डिस्चार्जिंग कंडीशन, और इसमें केस वन में आप लिखिए नेगेटिव प्लेट। तो नेगेटिव प्लेट पे क्या होगा, चार्ज्ड कंडीशन में जो कैडमियम था यानी कि सीडी, वो रिएक्ट करेगा टू ओएच माइनस से। यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ओएच माइनस कहाँ से आया, ये ओएच माइनस इलेक्ट्रोलाइट से आया। ओके, तो कैडमियम और टू ओएच माइनस कंबाइन करके बनाता है CdOH2 और इसके साथ ही दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। सेम इसी तरह का कुछ इक्वेशन लेड एसिड बैटरी में भी हो रहा था। वहां भी हमने डिस्चार्जिंग कंडीशन में दो केस लिए थे, एक नेगेटिव प्लेट के बारे में और दूसरा पॉजिटिव प्लेट के बारे में। तो वहां भी हमने देखा था कि नेगेटिव प्लेट कैसे दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो यदि आप लेड एसिड बैटरी का लेक्चर देख चुके हैं तो इसको समझने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ओके, तो अब आप दूसरा केस नोट करिए पॉजिटिव प्लेट। तो अब पॉजिटिव प्लेट पे होने वाले केमिकल रिएक्शन के इक्वेशन को सबसे पहले आप नोट कर लीजिए। दिस इज 2NiOOH प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये दो इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव प्लेट के द्वारा रिलीज किया गया है, ये सब कंबाइन करके बनाता है 2NiOH2 प्लस 2OH माइनस। ओके, और यही 2OH माइनस नेगेटिव प्लेट पे जाके कैडमियम के साथ रिएक्ट करके CdOH2 बनाता है। तो हो सकता है क्वेश्चन में आपको नेगेटिव प्लेट पे होने वाले केमिकल रिएक्शन के इक्वेशन के बारे में पूछे या फिर पॉजिटिव प्लेट पे होने वाले केमिकल रिएक्शन के इक्वेशन के बारे में पूछे, तो आप यहां से बता सकते हैं। इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं, तो आप और करके इसे भी नोट कर लीजिए, क्योंकि 2NiOH प्लस 2H2O ये मिलके बनाता है 2NiOH3, और ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव प्लेट के द्वारा रिलीज किया गया है, ये कंबाइन करके बनाते हैं 2NiOH2 प्लस 2OH माइनस। तो हो सकता है कहीं पे आपको 2NiOOH प्लस 2H2O लिखा हुआ मिले या फिर कहीं 2NiOH3 मिले। ओके, तो बोथ आर सेम थिंग्स। तो नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट को देखने के बाद अब हम नेट केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन देखेंगे। तो नेट केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए आप पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट पे होने वाले रिएक्शन के इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, और ऐड करने के बाद आपको नेट केमिकल रिएक्शन मिलेगा विच इज 2NiOH3 प्लस कैडमियम डिस्चार्ज होने के बाद ये बनाएगा CdOH2 प्लस 2NiOH2। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2NiOH3 यानी कि चार्ज कंडीशन में पॉजिटिव प्लेट पे ये लेयर होती है, प्लस कैडमियम जो कि चार्ज कंडीशन में नेगेटिव प्लेट को शो करता है, डिस्चार्ज होने के बाद ये बनाता है CdOH2 प्लस 2NiOH2। यहाँ CdOH2 शो करता है नेगेटिव प्लेट का डिस्चार्जिंग कंडीशन और 2NiOH2 शो करता है पॉजिटिव प्लेट का डिस्चार्जिंग कंडीशन। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं दिस इज पॉजिटिव प्लेट, दिस वन इज नेगेटिव प्लेट, दिस वन इज नेगेटिव प्लेट एंड दिस वन इज पॉजिटिव प्लेट। और ये केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, तो चार्जिंग के केस में एरो को आप इस डायरेक्शन में शो करेंगे। ओके, यहाँ पर एक और पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है नेट केमिकल रिएक्शन आपको इस फॉर्म में ना मिले। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, इन केस ऑफ पॉजिटिव प्लेट 2NiOH3 को हम लिख सकते हैं 2NiOOH प्लस 2H2O। तो इसलिए नेट केमिकल रिएक्शन में आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2NiOOH प्लस 2H2O प्लस कैडमियम डिस्चार्ज होने के बाद बनाएगा CdOH2 प्लस 2NiOH2। ओके, तो इट्स ऑल अबाउट निकल कैडमियम बैटरी। इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इसलिए आप सारे पॉइंट्स को सिर्फ नोट डाउन कर लीजिए और उसे आप समझने की कोशिश करिए। और ये रिएक्शंस आपको अच्छे से समझ में तभी आएंगे जब आप लेड एसिड बैटरी का लेक्चर देख चुके होंगे। तो यदि आपने उस लेक्चर को नहीं देखा तो सबसे पहले आप उसे देखिए, उसके बाद फिर से आप इस लेक्चर को देख लीजिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।